यह देखो सपारियां सपारे भी जनाब इस पारे जो देखो बिच ये देखो सपारे ऐ भाबियां दे कारी ने गलाई जे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमी टीवी 11 में आप सब लोग को खुश आमदीद। नाजरीन, मैं अभी फेसबुक यूज़ कर रहा था और मेरे नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी है। मैंने कहा कि ये वीडियो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। यार, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, वो ये कि हम लोग अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो चुके हैं। यार, हम पे जो है ना अज़ाब इलाही आना चाहिए। शुक्र करें यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जिसकी वजह से हम पर अजाब नहीं आता, लेकिन हम अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। यार, हम स्वीडन में जो स्वीडन में जिसने हमारे कुरान मजीद को जलाया है, नौजबिला शहीद किया है, उसी के मुतालिक आज तक हम वीडियोस बना रहे हैं और बनाएंगे और आखिर दम तक बनाएंगे। लेकिन उससे भी अफसोस तरीन वाक़ा यह है कि जब हमारे अपने मुल्क के पाकिस्तान में और वो भी हमारे अपने मुसलमान भाई कुरान मजीद को जलाने लग जाए, तो यार ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा यार अफसोस की बात है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप काइंडली ये आगे जो मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ वो वीडियो देखें और आगे भी शेयर करें और अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूसी 35 मोमनपुरा दे विच है, देखो जी भाबियां की मस्जिद में उन्होंने सारे आम कुराम जी दुआ गला छड़ी जी। यह देखो सपारियां सपारे भी जनाब इस पारे जो देखो बिच ये देखो सपारे ए भाबियां दे कारी ने अग लाई जे। यह देखो सारे आम अग लाती भाबियां दे कारी ने अग लाई है राह टाउन मस्जिद ए जामिया मस्जिद मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए देखो बानिया मस्जिद डॉक्टर मुतीन मोटरवे स्टाप ए सारा कुछ ते एड्रेस लिखिया है। इन्होंने बंदियां ने अज दिन दिहार सवेरे 9 बजे ए मस्जिद के अंदर कुरान साड़े ने, ए देखो ए सपारे साड़े ने, ए बाकी तोड़े जे पेड़ ने, ए सारा जो वाम आईए नस गए उस टाइम कारी नस गया, बुकुवे उत्ते सारी वाम मौजूद है। तो इंशाला असं हम रिट करा तरीका लैग वाले ए दोस्त सारे दोस्त अहबाब देखो ए सारे मस्जिद च आ गए ने। तो यह मैसेज मैं कर लगा ग्रुप के पीपी 138 और पीपी साड़ी 38 वाले और उस तो बाद यूसी मोमनपुर वाले सारे दोस्त अहबाब जल्दी असं कोशिश कर लेंगे थाने लैके जाइए कि तक साडा इहतजाज रिकॉर्ड भी किया जाए। तो फिलफोर ये मस्जिद वाले जिन्हें भी इंतजामिया ने इन्हों उ फिलफोर परचा दिता जाए और जिस बंद ने कार्रवाई की सजाए मौत असं कहे कि साडा सजाए मौत दी जाए किसी बंद ने खुशफाई की कुरान की।